अरे दिनेश, तू ठीक है ना भाई? मुझे क्या हुआ? अरे नहीं, पेपर में पढ़ा जुआ खेलते समय 3 गिरफ्तार, इसलिए तेरी फिक्र होगी भाई। साले काली तो बहन, जब भी बोलेगा उल्टा ही बोलेगा। गुलाबी है भाई। ए दिनेश, यू डिड नॉट वेंट एनीवेयर? हाँ, गया था ना यार, वो एक सीरियल का शूट चल रहा था। क्रू वाले बोले परमिशन लगेगी। साला अपुन भी बोला, अपुन के होते हुए परमिशन लिए तो अपने भाईगिरी पे लानत है। फिर क्या, अपुन बोला बिंदास शूट करने का, पुलिस आई, अपुन ने बोला चलो कल्टी मारो, उनको देखते ही निकल गए ना। इसलिए थोड़ा थक गया। शूटिंग में क्या? नहीं यार, वो रात को सोया था ना, तो सुबह उठा तो सोने की थकान, तो वापस अभी थकान मिटाने के लिए बाजू के कमरे में सोने जा रहा है। His talks never understand me. मतलब? अरे मैं फ्रेश होकर आया तो बड़ी जोर की लगी है। 1000 बार बोला है तुझे डायपर पहन के रखा कर, समझदार की बात तू समझता नहीं है यार। डायपर पहनू? तेरी नजर में तो बच्चा हूं ना, गोद ले ले मुझे। हम सबको जीतू ने गोद ले रखा है। हेलो, तुम्हारे महीने का खर्चा। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। लेकिन ये रुपए है इसीलिए ले रहा हूं। जीतू भाई, वो लड़की कौन थी? हाँ, कौन सी लड़की भाई? वही जिससे आप बात कर रहे थे, वो? अरे जिसने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी। हाँ, स्पाइरल इयररिंग्स, ब्राउन कलर आईज, लंबे लंबे बाल, ग्रीन कलर की बैंगल्स थी। वो पता नहीं यार, ध्यान से देखा नहीं ना मैंने उसे। देखने दिखाने के लिए बचा ही क्या है? अबे वो मेरी गर्लफ्रेंड थी श्रेया। गर्लफ्रेंड? लेकिन तुम लोग को कैसे पता चला कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा था? नहीं, हम उसी एरिया में ना भूरा कुत्ता ढूंढ रहे थे। बांगड़ू बाबा बोला था उलझन दूर होगी। वो कुछ भी बोलते हो और तुम करते हो, और वैसे भी सड़क पे खड़े रहे तुम दो ही चीजें कर सकते हो। क्या? क्या? एक तो सुट्टा, तू स्टाइल, शूज बढ़िया है। कितने के लिए? 1500।
भाई एक का भाव पूछ रहे, दर्जन का नहीं। एक का ही बता रहा हूँ। अरे जीतू भाई आप कब आए? 25 साल पहले। चुप कर, अभी अभी आया। तू क्या अंदर सो रहा था क्या? अरे हाँ यार, वो शूट में गया था ना एक, सीरियल वालों को प्रोटेक्शन देने पुलिस से। प्रोटेक्शन? इसलिए चेहरा बहुत उजला उजला लग रहा है। खैर छोड़ो यार, आप बताओ आपका जॉब कैसे चल रहा है? अरे जॉब बहुत बढ़िया चल रहा है यार, बस इसी तरह से मेहनत करता रहूँ ना तो इंक्रीमेंट पक्का है। करो करो, खूब मेहनत करो, अगर आप कुछ करोगे तो हमारा भी कुछ ना कुछ होगा ना। हाँ जीतू भाई। जीतू भाई हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। देखो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, अगर रास्ते में मुश्किलें हो और लगे कि पाव कांटों से छन्नी हो रहे तो अच्छे कंपनी के जूते पहनने चाहिए ना। अब बस मुझे कार खरीद कर दोगे? वाव मस्त आइडिया है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें कार खरीद कर देता हूँ और तुम मुझे ड्राइवर रख लेना और तुम मुझे सैलरी भी दे देना, उसी सैलरी से मैं अपने कार की इंस्टॉलमेंट भर दूंगा, दोनों भी काम हो जाएंगे ना। मैं बस हमेशा मजाक सोचता है। जानू तुम्हें तो पता है मेरे काम की हालत क्या है। हाँ सब पता है, मगर जो काम तुमने अभी शुरू किया है ना कुछ हासिल नहीं होगा उससे। और मैं कभी किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो? अरे मेरे दादा है ना, मतलब बड़े भैया, वो सब सेट कर देंगे, बहुत पहुंचे उनकी। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे भैया करते क्या है। टाइम आने पर वो भी बता दूंगी, मगर अब जो मैंने कहा है ना उस पे ध्यान दो। ऐसे गर्मी बहुत है, मैं मुंह धोकर आती हूँ, वॉशरूम का है? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, मतलब सीधा। क्या ये नैपकिन की जगह कोई ये टांग के रखता है? चेट वाली चेटी चेटी चेटी, इतने चेट 100% सूरज की है। ये लो आ गया। नमस्ते बाबा जी, क्या हुआ? कुंवारी लड़की को कोई भाभी बोलता है? शो मी। अरे लेकिन सब तेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, सभी जान की वजह से हुआ है। छोड़ दे वो चलेंगे। अरे जीतू भाई आपको तो पता ही नहीं क्या हुआ है। क्या हुआ? अरे हम लोग एक बस स्टॉप पर खड़े थे, वहाँ एक लड़की आई और हमसे बस नंबर पूछने लगी, और उस लड़की के चक्कर में हमने बस छोड़ दी। हाँ, वो हमसे बस नंबर पूछ रही थी और ये जान उसे कभी कुछ और कभी कुछ बोलता था। थोड़ी देर बाद वो लड़की ऑटो में बैठकर निकल गई, बस नंबर पूछा हमसे और हमें छोड़कर खुद ऑटो में निकल गई। तब से एक भी बस नहीं मिली भाई, पैदल चल के आ रहे, टांगे टूट गई। अरे जान साला 5 मिनट बोल के 5 किलोमीटर चला, अरे इतना चला है कि अभी तक पैर दुख रहे, लगता है हाथों के बल पर चलना पड़ेगा। हाले को मिनट और किलोमीटर का फर्क भी नहीं पता। अरे इसे हार्डवेयर अंडरवेयर का भी फर्क नहीं पता। मैं तो शादी नहीं करूंगा, सब लड़के ऐसी होती है। मैं ना किसी बार डांसर से शादी करूंगा। एक तो समाज सेवा हो जाएगी,
और दूसरी बात घर पे डांस देखने मिल जाएगा और उसपे उड़ाए हुए पैसे आ गए ना अपनी जेब में। भाई मैं भी शादी नहीं करूंगा क्योंकि इंडिया में हस्बैंड्स की बड़ी ट्रेजेडी है। पत्नियां शादी के बाद चैन से जीने नहीं देती और करवा चौथ के व्रत रखकर शांति से मरने भी नहीं देती। अच्छा हुआ लाइट नहीं थी, नहीं तो करंट लग जाता। खामखाम तुम लोगों को मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता, बिना मतलब पैसे खर्च हो जाते ना। अच्छा जीतू भाई, हम लोग तो बाहर थे, आप घर पे क्या कर रहे थे? आज ऑफिस नहीं गए? अरे ऑफिस से छुट्टी ली ना, घर पे बैठे फिल्में देख रहा। फिल्म चल रही थी? कौन सी फिल्म चल रही थी? क्यों हो गया ना गुप्ता रोग जिंदा मेरे हुजूर? हैं? क्यों हो गया ना गुप्ता रोग जिंदा मेरे हुजूर? ये कौन सी फिल्म है भाई? हॉलीवुड को रुक ना। ओके नहीं यार, ये सब अलग अलग फिल्म। क्यों हो गया ना गुप्त रोग जिंदा मेरे हुजूर अलग अलग चैनल बोल रही, चैनल बदल बदल के देख रहा था इसलिए ऐसे बोल दिया। मुझे लगा आपको गुप्त रोग हो गया है। Hi, my name is Karishma Maheshwari. Here's my new upcoming web series called Fokatiye. Please don't forget to subscribe Anugunj Media YouTube channel and Maskibat.